हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 6 फरवरी और 6 फरवरी से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आप इस वीडियो की PDF टेलीग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने अपना 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो ये भी हाल ही में मनाया है श्रीलंका ने। और कब मनाया है? 4 फरवरी को, क्योंकि इसी दिन जो श्रीलंका है ये ब्रिटेन से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था, इसलिए 4 फरवरी को श्रीलंका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। यदि हम बात करें श्रीलंका की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है? कॉमर्शियल कैपिटल है कोलम्बो, और कोलम्बो में ही दक्षिण एशिया का सबसे ऊँचा टावर स्थापित किया गया है। इसका नाम क्या है? लोटस टावर। और एग्जीक्यूटिव कैपिटल क्या है? जयवर्धनेपुरम कोट्टे। तो दोनों कैपिटल आप याद रखेंगे। यहाँ की करेंसी क्या है? तो करेंसी है श्रीलंकाई रुपी। और प्रेसिडेंट कौन है? अभी हाल ही में बनाए गए हैं गोटबाया राजपक्षे। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। साथ ही यदि आप करंट से रिलेट करेंगे, तो 2 दिन पहले मैंने आप लोग बताया था, एक नाम आप लोगों को याद रखना है, गोपाल बागले। और ये कौन है? तो ये अभी हाल ही में भारत की तरफ से हाई कमीशन अपॉइंट हुए हैं श्रीलंका में, इनका नाम है गोपाल बागले। एक और चीज़, भारत और श्रीलंका के बीच एक एक्सरसाइज होती है, इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? मित्र शक्ति। और मित्र शक्ति, इस एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया था? दिसंबर 2019 में इसका आयोजन किया गया था पुणे महाराष्ट्र में। साथ ही श्रीलंका से ही रिलेटेड एक खिलाड़ी का नाम सामने आता है जो कि चर्चे में रहे हैं, अजंता मेंडिस। और जो अजंता मेंडिस है, ये श्रीलंका के एक स्पिनर थे जिन्होंने कुछ समय पहले ही संन्यास ले रखा है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और अभी तक यदि आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और मैं कमेंट्स हमेशा रीड करती हूँ, आप लोग आवाज़ की बहुत तारीफ़ करते हैं, उसके लिए थैंक यू। लेकिन मुझे खुशी तब होगी जब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के द्वारा लाइक किया जाएगा, तो प्लीज़ इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखा करिए। और आप सभी जानते हैं ऑनलाइन स्टडी पॉइंट की जो मंथली करंट अफेयर की PDF है ये लॉन्च हो चुकी है, और इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, 250+ क्वेश्चन के साथ विथ डिटेलिंग विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। तो इस PDF को परचेस करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? तो ये अभी हाल ही में चुनी गई हैं दीपा मलिक। जो दीपा मलिक है ये पैरा एथलीट और पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए मेडल जीतने वाली एकमात्र महिला एथलीट हैं, और इन्हें अभी हाल ही में चुन लिया गया है भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष के रूप में। और ये किसका स्थान लेंगी? तो ये स्थान लेंगी गुरसरन सिंह का, इन्हें ही रिप्लेस करेंगी ये। अब यदि हम बात करें दीपा मलिक की, तो इनसे रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखिएगा। पहली बात तो यह कि किस राज्य से बिलोंग करती है? हरियाणा से। और इन्हें कुछ समय पहले ही बजरंग पुनिया के साथ ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली यह भारत की पहली पैरा एथलीट बनी है, इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, और इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। अब यदि हम बात करें भारतीय पैरालंपिक समिति की, तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है बैंगलोर कर्नाटक में। बैंगलोर ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये बसा हुआ है वृषभावती नदी के किनारे। साथ ही जो बैंगलोर है ये अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च करने वाला भारत का पहला शहर भी है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण प्रौद्योगिकी मेला जिसका नाम है अंतःप्रज्ञा, तो अंतःप्रज्ञा 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया तेलंगाना में। और आप इस टर्म से क्या समझते हैं, प्रौद्योगिकी मेला? तो देखिए, इसका सिंपल सा मतलब है, जब आप स्कूल में रहे होंगे तो आप लोगों ने भी इस तरह के मेले में ज़रूर हिस्सा लिया होगा, जहाँ पर कई तरह के मॉडल की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। और सेम इसी तरह से यह प्रौद्योगिकी मेला, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसकी थीम क्या रही। थीम थी इनोवेटर्स स्पॉट एंड इनकरेज रूरल टेक मॉडल, ये थी इस प्रौद्योगिकी मेले की थीम, जिसका आयोजन किया गया तेलंगाना में। अब यदि हम बात करें तेलंगाना की, तो यहाँ की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद, यहीं पर विश्व के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है, जिसमें कि
1,00,000 लोगों को मेडिटेशन की फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी और इसी का उद्घाटन किया गया कुछ समय पहले ही तेलंगाना में। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। गवर्नर है तमिल ईसाई सौंदराजन। और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इनका नाम है राघवेंद्र सिंह चौहान। तेलंगाना से लोकसभा सीटें कितनी आती हैं? लोकसभा सीटों की संख्या है 17, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है कुल 7। और जो तेलंगाना है, इसने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर के रूप में भी मनाने की घोषणा की है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए नाडा के द्वारा किस एथलीट को निलंबित किया गया है? तो अभी हाल ही में 2 एथलीट राम शादेयर और रविंदर कुमार, इन दोनों को ही नाडा के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। यदि हम बात करें राम शाद एआर की, तो इनका संबंध है वेट लिफ्टिंग से। ये एक वेट लिफ्टर है और डोपिंग नियमों के उल्लंघन के लिए इन्हें 2 साल के लिए निलंबित किया गया है। जबकि जो रविंदर कुमार हैं, ये एक पहलवान हैं और इन्हें भी डोपिंग नियमों के उल्लंघन के चलते 4 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। और यदि हम बात करें सरबजीत कौर की, तो ये भी एक वेट लिफ्टर हैं और इन्हें भी नाडा के द्वारा कुछ समय पहले ही डोपिंग नियमों के उल्लंघन के लिए निलंबित किया गया है। अब यदि हम बात करें नाडा की, यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी स्थापना कब की गई थी? 24 नवंबर 2005 को। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम में इसके महानिदेशक कौन है? तो इनका नाम है नवीन अग्रवाल। साथ ही आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि नाडा का मोटो क्या है, यानी कि आदर्श वाक्य। तो इसका आदर्श वाक्य है प्ले फेयर। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे, तो कुछ समय पहले ही जो बॉलीवुड अभिनेता है सुनील शेट्टी, इन्हें नाडा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनियल अरब देश के सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाले राष्ट्रपति थे, इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये किस देश के शासक थे? तो ये शासक थे केन्या के, और अभी हाल ही में इनकी 95 वर्ष की आयु में डेथ हो चुकी है। और इन्होंने 1978 से लेकर के 2002 तक देश की सेवा की थी। अब यदि हम बात करें केन्या की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है? नैरोबी। और नैरोबी में किसका हेडक्वार्टर स्थित है? UNEP का, यानी कि यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय स्थित है केन्या के नैरोबी में ही। और यदि हम बात करें एक फेमस एथलीट की जो कि केन्या से ही बिलोंग करते हैं, इनका नाम है एलियुट किपचोगे। और अभी हाल ही में जो एलियुट किपचोगे हैं, इन्हें वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है मेल कैटेगरी में, जबकि फीमेल कैटेगरी में यही अवार्ड दिया गया दलीला मोहम्मद को, जो कि बिलोंग करती हैं USA से, तो ये भी आप याद रखेंगे। और केन्या की जो करेंसी है ये क्या है? केनेनियन शिलिंग। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो इनका नाम है उहुरु केन्याटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत, बांग्लादेश और मालदीव से आने वाले पर्यटकों पर सतत विकास टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में जो भूटान है, इसने सतत विकास टैक्स को पास कर दिया है, जिसके तहत भूटान के पड़ोसी देश से आने वाले जो भी पर्यटक हैं, उन्हें देश में आने पर सतत विकास टैक्स चुकाना पड़ेगा। और अब भूटान जाने पर, यानी आप यदि भूटान जाएंगे, तो आप लोगों को प्रतिदिन के हिसाब से वहाँ पर 1200 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा। और यही घोषणा की है भूटान ने। तो भूटान के बारे में जान लेते हैं, यहाँ की कैपिटल क्या है? थिम्पू। करेंसी क्या है? नेगुलतरम। प्रेसिडेंट कौन है? लोतोय शेरिंग। और भूटान से ही रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा, यदि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए कि नरेंद्र मोदी जी की पहली विदेश यात्रा कौन सी थी, तो इनकी पहली विदेश यात्रा भूटान ही थी, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला घोड़ा कला महोत्सव किस शहर में आयोजित किए जाने वाला एक वार्षिक कला महोत्सव है? तो प्रतिवर्ष इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है महाराष्ट्र में। और शहर पूछा जा रहा है, तो इसका आयोजन प्रतिवर्ष होता है महाराष्ट्र के मुंबई में। मुंबई जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है, जो टैप वाटर रैंकिंग में पहले स्थान पर रही है। मुंबई को ही 7 टापुओं का शहर कहा जाता है, भारत का हॉलीवुड ये भी कहा जाता है मुंबई को ही। साथ ही मुंबई में ही हेडक्वार्टर स्थित है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर ये भी मुंबई में ही स्थित है। साथ ही कुछ समय पहले ही मुंबई में भारत का पहला तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट भी खोला गया है, तो मुंबई से रिलेटेड ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे।
और हम डिस्कस कर रहे हैं फेस्टिवल के बारे में, यानी कि महोत्सव के बारे में। तो यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो कुछ समय पहले ही अरुणाचल प्रदेश में तवांग फेस्टिवल के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया था, मध्य प्रदेश के मांडू में मांडू फेस्टिवल का आयोजन किया गया और मिज़ोरम में अभी हाल ही में चाप चारकुट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। तो ये सारे ऑप्शन भी आप याद रखिएगा जो कि कहीं ना कहीं फेस्टिवल से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संसद में की गई घोषणा के अनुसार राम मंदिर ट्रस्ट का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 5 फरवरी 2020 को संसद में घोषणा की गई कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाएगा जिसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से रखा जाएगा। तो यही घोषणा की गई है और आप सभी जानते हैं अयोध्या मामला कितने ज़्यादा चर्चे में रहा है। और आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि अयोध्या मामले का जो ऐतिहासिक फैसला था ये कब आया था, तो ये डेट आप रट लीजिए, डेट थी 9 नवंबर 2019 जिस दिन ये फैसला आया था। और ये फैसला 5 जजों की एक समिति ने दिया था, तो इन 5 जजों का नाम भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, रंजन गोगोई, शरद अरविंद बोबड़े जो कि भारत के 47वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश भी हैं, DY चंद्रगु, अशोक भूषण और अब्दुल नज़ीर। इन 5 जजों की समितियों ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया था। तो ये सारे फैक्ट अयोध्या मामले से रिलेटेड आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस लेखक की पुस्तक मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का खिताब जीता है विनोद शुक्ल की किताब ने, और इस किताब का नाम क्या है, ब्लू इज लाइक ब्लू। और जो विनोद शुक्ल हैं ये हिंदी भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार और हिंदी कवि रह चुके हैं और इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये हिंदी भाषा के कवि है और किताब का नाम है इंग्लिश में, तो मैं आप लोग बता दूँ इनकी जो किताब है ब्लू इज़ लाइक ब्लू, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया था अरविंद कृष्ण मल्होत्रा और सारा रॉय के द्वारा, और इन्हीं की किताब ने अभी जीत लिया है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो इसे टॉप किया है मध्य प्रदेश ने। जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी और इसे कार्यान्वित किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। और प्रेजेंट टाइम में हमारी महिला और बाल विकास मंत्री कौन है, तो ये है स्मृति ईरानी जी, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, अमेठी उत्तर प्रदेश। और यदि आप इनके नाम को करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में गोवा से इन्होंने यशस्वी योजना की शुरुआत की है, यशस्वी योजना जो कि महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए है, तो ये आप याद रखेंगे। साथ ही यदि बात की जाए मध्य प्रदेश की तो राजधानी क्या है, भोपाल, मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, गवर्नर है लालजी दास टंडन और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। और मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में ही एक गांव है बाचा जो कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव है। भारत का पहला टाइम बैंक यह स्थापित करने की घोषणा की गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के ही द्वारा। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में इराक का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर था मोहम्मद अल्लावी। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया गया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में डिटेलिंग के साथ लिखिएगा और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं रोज़ कहती हूँ शेयर करने के लिए, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते, तो अपने 3 स्टडी रिलेटेड रूप में इस वीडियो को आज शेयर करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।